दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों ऐसा लगा कि कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एक महत्वपूर्ण फैसला मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में आया कि कैसे एक चैनल जो नफरत का पूरा जो एक जैसे लगता है कि झाग उगलना उस तरह की बात जो नफरती अंदाज में की जा रही थी और टेलीविजन चैनल पर एपिसोड दिखाए जा रहे थे और उसमें बताया जा रहा था कि कैसे यूपीएससी में एक जिहाद चल रहा है और उसमें जिहाद जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो देश में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके बारे में कहा जा रहा था। तो उस झूठ फरेब और बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कपट शब्द इस्तेमाल किया है, कप जो अंग्रेजी में है जिसका मीनिंग है कपट, इस तरह का जो कपटपूर्ण एक जो प्रस्तुतिकरण है या जो ब्रॉडकास्ट है टेलीकास्ट है उस पर एक तरह से उन्होंने कहा कि इसको फौरन बंद किया जाए, इसको इजाजत नहीं दी जा सकती है और भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो इससे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है भारत सरकार उसने उस टेलीविजन चैनल को ओके कर दिया था, यानी हरी झंडी दिखा दिया था कि आप टेलीकास्ट कर सकते हो प्रोग्राम। इसको इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदिश लगाई है तो उसको लेकर बहुत सारे जो अपने देश के संविधानवादी लोग हैं, जो लोकतंत्रवादी लोग हैं, वो बड़े अति उत्साह में आ गए हैं। उनको लगता है कि अब मीडिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मीडिया में जरूर इसको एक झटके के रूप में लिया जाएगा, ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि आप नफरत को इस तरह से टेलीकास्ट नहीं कर सकते, फेक न्यूज को जो बिल्कुल झूठी न्यूज हो उसको इस तरह से आप हरगिज टेलीकास्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है और दूसरी तरफ आज ही आप देख लीजिएगा शाम को बहुत सारे चैनलों में क्या क्या सुनाया जाएगा, क्या क्या बताया जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा सच्चाई का। तो ये कोई एक कोर्ट के फैसले से एक वर्डिक्ट से ये चीजें खत्म हो जाएंगी हमारे मीडिया से, मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि मैं मीडिया में पिछले 35-37 सालों से हूं और मुझे दुष्यंत कुमार की एक लाइन याद आ रही है, मैं क्यों अपनी तरफ से बोलूं, ये जो दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं जो बहुत मशहूर कवि रहे हैं आप जानते हैं कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो अपने देश के मीडिया में कहाँ ठहराव है, कहाँ क्या स्थितियां हैं, क्यों हमारा मीडिया इतना विरूप हो गया है, क्यों वो इतना विभत्स हो गया है, क्यों वो इतना फेक न्यूज का फाउंटेन हो गया है, क्यों ऐसा लगता है कि उस पर झूठ फरेब और घृणा और डिवाइड करने की बातें, विभाजन करने की बातें, ये ऐसा लगता है कि कोई झरना फूटता रहता है हर शाम, खासकर जो अपने को दिखाने लगते हैं कि ये प्राइम टाइम शो हमारा है। उनके नाम भी कैसे कैसे होते हैं, कोई दंगल बताता है, कोई ताल ठोंक के बताता है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि शानदार एक जजमेंट के बाद भी भारत के मीडिया में सब कुछ सुधर जाएगा ऐसा नहीं है और क्यों नहीं है इसी पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो कल फैसला है 3 जजों की बेंच का, उसकी सिर्फ 2 महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो सुनवाई के दरमियान जो जजों ने कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं उनको आपके सामने पेश करूंगा और फिर बताने की कोशिश करूंगा ये इस बात का विश्लेषण कि आखिर हमारे देश में मीडिया इतना भयानक स्थिति उसकी क्यों हो गई है, वो क्यों इतना गैर जवाबदेह, इतना गैर जिम्मेदार हो गया है, क्यों वो संविधान की और आदमियत की, संविधान की बात छोड़िए मनुष्यता की भी धज्जियां उड़ाता नजर आता है आज, खासकर टेलीविजन चैनलों की बात मैं कर रहा हूं। तो जजों ने जो सुनवाई के दरमियान जो हमारे न्यायमूर्तियों ने कही बात, एक बात जो मैं कोट कर रहा हूं कि हमने अनुवाद किया है अंग्रेजी में कही हुई बातों का, जिस तरह मीडिया हाउसेज इन दिनों टीवी डिबेट करते हैं, तरह तरह की उत्तेजक अपमानजनक बातें कही जाती हैं, वो स्थितियां बहुत ही खराब हैं और अगर कोई कम्युनिटी विशेष पर निशाना इस तरह से साधा जाता है, सुदर्शन टीवी के कॉन्टेक्स्ट पे उन्होंने कहा, तो ये देश के लिए अस्थिर करने जैसी बात होगी। दूसरी बात जो जजों ने कही, चंद्रचूड़ साहब ने संभवतः, कि टीवी चैनलों का ओनरशिप पैटर्न और राजस्व मॉडल पब्लिक
डोमेन में डाला जाना चाहिए। ये बात जो माननीय न्यायमूर्तियों ने कही है सुनवाई के दरमियान वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने देश में सरकार, आप जाइए किसी प्राइवेट सेक्टर के बड़े सीईओ का नाम देखिए, आप मंत्रियों का देखिए, बड़े ओहदेदारों का देखिए, सरकार में सबके बारे में डिटेल है कि कौन कितना पढ़ा है, कितना क्या है, किसके पास कितना पैसा है, कितनी जायदाद है। लेकिन मीडिया के जो बड़े मालिक हैं, मीडिया में किनकी पूंजी लगी है, कौन उसके उसके बोर्ड में है, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं किसी के पास है, वेबसाइट पर भी नहीं है। भाई आप जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, उसका तो पता होना चाहिए कौन निवेश कर रहा है, कहां से आमदनी हो रही है चैनल की, और साथ में एडिटर कौन है, बड़े एंकर्स कौन है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी क्या स्थिति है समाज में, आर्थिक स्थिति क्या है, कितने बड़े लोग हैं। तो ये सारी चीजें अगर डिटेल हो जाए तो मैं समझता हूं कि आप ट्रांसपेरेंसी की मांग करता है टेलीविजन सबसे, वो स्वयं अपने को भी बताए, अपनी पारदर्शिता दिखाए कि भाई वो क्या है। और दोस्तों इन टिप्पणियों के साथ अब मैं अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आता हूं, समय कम है, कि देखो आज की तारीख में इस जजमेंट से बहुत लोग जो उत्साहित हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इससे कुछ होगा नहीं सिवाय इसके कि सुदर्शन टीवी पर यह बंदिश लगी जो बहुत जरूरी है, और यह खैर मकदम किया जाना चाहिए, जजमेंट का स्वागत अभिनंदन किया जाना चाहिए, लेकिन मीडिया के मामले में बड़ा बदलाव दोस्तों तभी संभव होगा जब अपने देश में जो समाज है, जो सत्ता है, जो सियासत है, उसमें भी बदलाव हो। असल कहानी वहां है। अगर सत्ता से पैटर्नेज मिलता है फेक न्यूज को, अगर जो लोग बैठे हैं शासन में वही लोग अगर झूठ को सच बनाकर पेश करने का पूरा कारखाना चलाएंगे दोस्तों, तो कैसे होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई एक पार्टी की सरकार के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो हर पार्टी की सरकार के बारे में कह रहा हूं, चाहे पहले की सरकार हो चाहे आज की सरकार हो। संविधान की तरफ देखकर हम पूरे देश और पूरे समाज का ढांचा नहीं बदल सकते। जब तक हम अपने को न बदलें, जब तक हम गवर्नेंस की शैली न बदलें, और मीडिया को बदलने के लिए जरूरी है दो चीजें दोस्तों। 2013 में भारत की संसद की जो आईटी संबंधी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिया था मीडिया काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो आज तक नहीं हुई। पीसीआई का कोई मतलब नहीं रह गया है दोस्तों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। आज मीडिया काउंसिल होनी चाहिए जिसमें कि गणमान्य लोग हों, और सरकार केवल रिकमेंड करे और काउंसिल बन जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी उसकी निगरानी करे, विपक्ष के लोग भी निगरानी करें, और एक इंडिपेंडेंट किस्म की मीडिया काउंसिल बने जो इन चैनलों को और पूरे प्रेस पर एक नजर रखे, जरूरी हिदायत दे, और अगर जरूरत हो तो कार्रवाई भी करे। और दोस्तों विनोद मेहता की बात भी मुझे अच्छी लगती है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। विनोद मेहता ने अपनी एक किताब, जो उनकी बड़ी मशहूर किताब है एडिटर अनप्लग्ड, उसमें उन्होंने एक कहा था कि एक कंप्लेंट कमीशन बनना चाहिए, प्रेस कंप्लेंट कमीशन। अगर वो भी बन जाता है तो मैं समझता हूं कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, या ये जो कमीशन है वो मीडिया काउंसिल का पार्ट बना दिया जाए। तो ये कुछ चीजें मैं समझता हूं कि हमें सोचना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी, शासन के लोगों को भी, विपक्ष को भी, और जुडिशियरी को भी। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही।